आज हम लोग एरे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ऑड नंबर डिस्प्ले करना है। इसके पहले इवन नंबर का प्रोग्राम बनाए थे कि डिस्प्ले ओनली द इवन नंबर। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे वैसे प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बेहतर होता जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने का बेनिफिट है कि प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 1D एरे। क्या करना है? 1D एरे एंड डिस्प्ले देयर ऑड नंबर वैल्यू ओनली। क्या करना है? ओनली ऑड नंबर ऑफ वैल्यू डिस्प्ले करना है यूजिंग फंक्शन विद argmin। देखिए जब क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ हो तो उसका वेटेज बढ़ता जाता है। और इस क्वेश्चन में चूंकि इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, यह फंक्शन को आप लोगों को फंक्शन विद आर्गुमेंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका कोड क्या होगा। तो चूंकि यहां पर फंक्शन विद आर्गुमेंट यानी फंक्शन क्रिएट करना है और आर्गुमेंट भी लेना है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एरे है, ये 1D है और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यू होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसमें से आपको कंप्यूटर सर्च करे और ओनली ऑड वैल्यू को डिस्प्ले करे, लाइक ऑड वैल्यू ओनली, यानी ऑड वैल्यू क्या हो गया 11, 23, 33 और 55, ये सब हमारा ऑड वैल्यू हो गया 11, 23, 33 और क्या होगा 55। अब क्वेश्चन आता है कि ये चेक कैसे होगा कि ये नंबर ऑड है और ये नंबर इवन है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 11 को हम लोग चेक करते हैं, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 5, और यहां क्या हो गया 1। अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए 44, डिवाइड कर रहा हूं, देखना क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग नंबर को इवन ऑड नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो उसी का यहां पर आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले एक एरे को इनपुट करवाना होगा और उसके बाद दूसरे फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर जो इनपुट हुआ था इवन है या ऑड है। तो चूंकि प्रोग्राम हम लोग सी में लिख रहे हैं इसलिए स्टार्ट करेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड polio.h, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन लेंगे। पहला फंक्शन जो होगा वो वैल्यू इनपुट कर एरे को क्रिएट करेगा और दूसरा फंक्शन हम लोग लेंगे इसमें जो उसको फाइंड आउट करेगा कि इसमें कौन कौन नंबर ऑड है, ठीक है। तो यहां पर से देखिए void create, क्योंकि 1D
अरे है तो 1 भी ये लिखते हैं क्योंकि ये इसे फाइंड आउट होता है कि 1 डी को हम लोग डायरेक्ट गेट कर रहे हैं या इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से पास कर रहा होगा अरे, इसलिए ये क्या होगा क्वांटम टाइप का और उसका साइज, तो ये हमारा क्या होगा वेरिएबल्स। उसके बाद वॉइड, यहां पर देखिए फंक्शन का नाम क्या हो सकता है, तो किस के लिए हम लोग ये फंक्शन लिख रहे हैं, तो आउट वैल्यूज ऑफ 1D, तो यहां पर फंक्शन नेम ले सकते हैं आउट वैल्यू 1D है। आउट वैल्यू 1D है क्यों लिए, क्योंकि जो हम लोग का यहां पर प्रोसेस होगा उससे ये रिलेटेड टर्म है, यानी फंक्शन का नेम क्या होगा कि वो किस तरह का बिहेव करेगा उसी से रिलेटेड हम लोग कोई भी टर्म ले सकते हैं। यहाँ पर जो हम टर्म लेने में कोई जरूरी नहीं कि आप भी ले सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होगा कि किसका चेक करना है ऑर्डर नंबर, तो एरे का उसका साइज क्या है जो आप लोग पास कीजिएगा मेन फंक्शन में। अब देखिए दोनों फंक्शन में आप लोग का फॉर लूप का यूज होगा, क्योंकि एक वन टाइम होगा कि टोटल वैल्यू को इनपुट कराने के लिए और दूसरा होगा कि प्रत्येक टर्म को चेक करने के लिए। तो हम लोग यही फर्स्ट से आप लोग क्या करते हैं ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं आईएनटी आई। अगर यहां पर हम नहीं करते तो दोनों फंक्शन में टू टाइम्स आईएनटी आई और आईएनटी आई वहां पर हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग क्या किए ग्लोबली डिफाइन कर दिए। अब यहां पर से हम लोग क्या करेंगे वॉइड मेन, मेन फंक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का किस एरे को क्रिएट करना है, अगर वो इंटीजर टाइप है तो यहां पर ए डबल आर लेंगे हम लोग, क्या लेंगे ए डबल आर, यानी दिस इज द नेम ऑफ एरे और उसका मैक्सिमम साइज मान क्या होगा 10। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ए लिए थे, अब ए डबल आर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये यूजर डिफाइंड नेम है, इसके जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल लेते हैं आईएनटी, उसमें देखे थे साइज देते थे है ना, तो इसमें आप लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, चलिए एनो लिख देते हैं। एनो का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं, यानी साइज भी ले सकते हैं एस भी ले सकते हैं, यानी जो भी यहां पर आप लोग इंटीजर अगर डिफाइन करेंगे वही पूरा प्रोग्राम में यूज होगा। तो नंबर हम ले रहे हैं, अब यहां पर क्या करेंगे सी एल आर एस सी आर, तो जब मेन फंक्शन में आप लोग को क्या करना होगा साइज लेकर पास करना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस एरे में कितना होगा ये इसके लिए आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले एक मैसेज लिखना होगा पी आर आई एन पी एफ इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे भी लिख सकते हैं वन डी एरे भी लिख सकते हैं। देखिए ये मैसेज क्यों लिखते हैं इसका भी खास कारण है, आप लोग एटीएम से सही पैसा निकाले होंगे, एटीएम से पैसा निकालें जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तो कुछ मैसेज आता है इंसर्ट द पिन, अगर वो मैसेज नहीं आए तो क्या आपको समझ में आएगा मशीन क्या पूछ रहा है या कह रहा है नहीं ना, तो उसी तरह से ये मैसेज जैसे ही आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैसेज आगे प्रोग्राम को क्या हुआ रहेगा क्योंकि उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ रहता है एस सी एन एफ परसेंट डी, और यहाँ पर देखिए एन ओ इंटीजर टाइप के इसलिए ये परसेंट डी हो गया और एम परसेंट एन ओ, क्योंकि ये लाइन रखने के कारण ये मैसेज आकर रुका हुआ रहेगा इक्वल टू, जब ये मैसेज आप रीड कीजिएगा इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में कितना होगा, तो जो भी वैल्यू एंटर कीजिएगा वो कहां जाकर स्टोर हो जाएगा
10 ओ में स्टोर हो जाएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो प्रोग्राम कंटिन्यूअस आगे एग्जीक्यूट कर जाता। स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट एन ओ का मतलब कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन है कि जब तक यूजर कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करता है तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। अब देखिए आप वैल्यू दे दिए, वो किसमें स्टोर हो गया, एनओ में स्टोर हो गया। तो अब आपका फंक्शन है, आप इस फंक्शन को बता सकते हैं कि चलिए ठीक है आप एरे क्रिएट कीजिए। उसके लिए फंक्शन करने के लिए होगा सी आर ई ए टी वन डी एरे। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या पास करना है, ध्यान देंगे क्या क्या पास करना है। देखिए दो लिए थे, एक बताए थे कि किस एरे को क्रिएट करना है, तो एरे का नेम क्या है हमारे से ए डबल आर, ए डबल आर, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यानी इसी का सेकंड आर्गुमेंट, तो कितना होगा एन नो, यानी जो भी आप पास किए होंगे उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ इसके बाद जब क्रिएट करने के बाद हम लोग लिखेंगे आउट वैल्यू, दूसरे फंक्शन को ले लेंगे आउट वैल्यू वन डी एरे। तो जब ये फंक्शन को पास करने कि इस एरे का आउट वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो आप इसको बता दीजिए किसका डिस्प्ले करना है, तो इस एरे को डिस्प्ले करना है और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यानी दोनों फंक्शन में हम लोग एरे और उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को पास कर दिए। अगला प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, गेट सीएच। अब देखिए ये मेन फंक्शन हो गया, और जब मेन फंक्शन में दो फंक्शन को हम लोग यूज किए हैं तब उसको ये बताना भी होगा कि वो फंक्शन वर्क किस तरह से करेगा, यानी जब ये फंक्शन आएगा प्रोग्राम में, मेन फंक्शन क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहां पर आया। अब क्या होगा कि अगर आप फंक्शन में इसका डेफिनेशन नहीं देते हैं तो एरर देगा, वो वर्क करेगा कैसे, इसलिए फंक्शन को आप लोगों को क्या करना होगा, डेफिनेशन देना होगा, बताना होगा कि ये वर्क कैसे करेगा। तो इधर से इरेज कर रहे हैं और उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन देते हैं। तो यहां पर से फिर से इसको लिखते हैं वॉइड क्रिएट वन डी एरे, और यहां पर से देखिए आई एन टी। अब वहां पर हम देखिए ए डबल आर पास किए थे है ना, लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन देंगे तो यहां पर जो आई एन टी के साथ लिखे हैं वो कोई जरूरत नहीं कि ए डबल आर हो, हम लोग यहां पर ए भी ले सकते हैं और आई एन टी एन ओ की जगह पर एस ले सकते हैं, यानी जो जो एक्चुअल वैल्यू से आप पास कीजिएगा वही क्या होगा, ये एरे होगा इस तरह से, और जो एनओ पास कीजिएगा वो वैल्यू किसका होगा, एस का होगा। इसलिए आप हम लोग दोनों वेरिएबल को चेंज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, यानी आप बी भी ले सकते हैं, एस के लिए बस आई भी ले सकते हैं, यानी जो यहां पर हम लोग यूज करेंगे वो फंक्शन के इनसाइड सेम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कंप्यूटर क्या मांगेगा, प्रिंटर इंटर एलिमेंट्स ऑफ वन डी एरे, यहां पर बैक स्लैश एन भी दे देते हैं, और यहां पर से आप लोग को फॉरवर्ड लगाना होगा आई इक्वल टू जीरो, और यहां पर आप ध्यान देना है आई लेस देन जो है तो यहां पर यूज किए, अगर एस यूज किए तो एस लिखेंगे और आई प्लस प्लस। देखिए यहां पर से आप लोगों को देगा प्रिंट आउट ए परसेंट डी इक्वल टू आई, ठीक है। अब उसके बाद स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट ए आई, और यहां से ये लूप कंप्लीट हो गया और यहां से ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग ये लाइन क्यों लिखे और ये लाइन क्यों लिखे,
तो जैसे देखिए आप लोग का लूप जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आप लोग का सबसे पहले करना चाहिए इंटर एलिमेंट्स ऑफ 1D अरे, इंटर एलिमेंट्स ऑफ 1D अरे। और यहां पर देखिए क्लोन होकर 9 चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहां से यहां तक एडिटिव डिस्प्ले करेगा और ए अब स्टार्टिंग में आई का क्या होगा 0, तो यहाँ पर ए 0 होकर रुका हुआ रहेगा और जो भी वैल्यू आप दीजिएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, ए आई पे स्टोर होगा। जैसे अगर आप लोग 11 दे रहे हैं तो 11 कहाँ चला गया, ए 0 पर, फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा ए 1 पे, ए 2 पे, यानी जो भी जैसे वैल्यू दीजिएगा दैट विल स्टोर। और कब तक स्टोर होते रहेगा, जो आप यहाँ पर साइज दिए होंगे या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट दिए होंगे वो जो वहां पर क्या होगा उतना टाइम्स वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का एरे क्रिएट हो जाएगा, यानी ये फंक्शन से एरे क्रिएट हो जाएगा। और चलते हैं आपका जो एक्चुअल बर्ड है वहां पर से क्या करना है, और नंबर को डिस्प्ले करना है। अब उस फंक्शन को हम लोग कैसे डेफिनेशन देंगे, तो चलते हैं यहां पर लिखते हैं void क्या था और वैल्यू वन डी एरे, देख लीजिएगा ये फंक्शन है ना, और वैल्यू वन डी एरे। और उसके बाद से यहां पर से आईएनटी, यहां पर भी आप लोग इंडिपेंडेंट हैं क्या ले सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा डेफिनेशन समय यहां पर सेमी कोलन नहीं होगा, कोई भी सेमी कोलन नहीं होगा जबकि स्टार्टिंग में था। तो यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एक मैसेज देगा कि ऑल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अरे इज क्या देगा, प्रिंट ऑड वैल्यूज इन अरे। अब उसके बाद यहां पर सेमी कोलन, चलिए रुका हुआ रहेगा और वैल्यूज इन अरे क्या क्या वैल्यू। अब उसके लिए आपको यहां से क्या करना होगा, देखिए फॉर लूप लगाना होगा i इक्वल टू 0 i लेस देन, यहां पर देखिए अगर s यूज किए हैं तो s और आई प्लस प्लस। अब देखिए यहीं पर जो आप लोग को है उसको बताना है कि वह एक एक वैल्यू को चेक करेगा। तो यहां पर देगा इफ ए आई परसेंट टू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा जो वैल्यू आप लोग का एक्चुअल स्टोर है उसको 2 से डिवाइड करेगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ऑड है, यानी उस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहां पर लिख सकते हैं प्रिंट बैक स्लैश एन देते हैं परसेंट डी ए आई। देखिए बस इतना ही कोड था, यानी ये लूप आपका क्या होगा, पहला सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा परसेंट बैक स्लैश एन परसेंट बी ए आई, यानी जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा। आप इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करके समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये एरे आप लोग जो क्रिएट किए वो ये एरे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 0 एक्स पे 0 1 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि 0 पे चला जाएगा, 0 एलिमेंट पर चला जाएगा, तो क्या मिल गया यहां पर ए 0 में क्या 11,
तो यहाँ पर ए जीरो यानी का वैल्यू क्या हो जाएगा 11% 2 11 को क्या करेगा 2 से डिवाइड करेगा इज नॉट इक्वल टू 0 सही है 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा इसके बॉडी में आ जाएगा अब ये 9 को एक्सक्यूट करेगा और यहाँ पर देखिए क्या हुआ ये बैक से 7% भी ई आई तो जो वैल्यू है आप लोग का यहाँ पर से वो डिस्प्ले कर दिया है ठीक है उसके बाद ये क्या होगा लूप मिल गया यहाँ पर सेम हम देखें जब तक ऐसे कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा एक्सक्यूट करते रहेगा फिर अगला बार क्या होगा आई प्लस प्लस अब यहाँ पर क्या होगा ए वन यहाँ पर कैसे जाएगा ए वन ए वन पे लिखा है 22 अब ये क्या करेगा 22 को अगेन 2 से डिवाइड करेगा 1 1 0 आ गया अब ये हमारा कंडीशन क्या हो गया 0 के बराबर नहीं है फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया तो इसके बॉडी में ये नहीं आएगा अब जब बॉडी में नहीं आएगा तो आप लोगों का क्या हो गया ये जो 22 है यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं करेगा जब आएगा नहीं तो प्रिंट तक उसको मिलेगा नहीं फिर यहाँ पर जब आया तो ये अगर क्या हो गया 2 से यानी 1 से बढ़कर ये क्या हो जाएगा ए 2 अब देखिए ए 2 पे क्या है 33 को फिर अगेन 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा यानी कंडीशन ट्रू है नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके इनसाइड आएगा तो अगर यहाँ पर क्या वैल्यू होगा देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगा ए 2 तो ए 2 को क्या करेगा वो डिस्प्ले कर देगा ठीक है फिर इसी तरह से फॉर लूप क्या होगा आगे जाएगा तो ए 2 के बाद आप लोग को क्या मिल जाएगा ए 3 पे क्या है 44 फिर इसको क्या करेगा वो 2 से डिवाइड करेगा क्या नॉट इक्वल टू 0 है गलत वो तो इक्वल टू 0 तो जब फॉल्स हो गया तो इसमें नहीं आएगा और फिर वो नीचे चला जाएगा तो इसी तरह से क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को चेक करता है यानी इसके लिए जो कंडीशन ट्रू हुआ उसके लिए फंक्शन क्या होगा इसमें आकर एक्सिक्यूट करेगा अब एक्सिक्यूट करेगा तो वैल्यू डिस्प्ले करेगा जब इसमें आएगा नहीं तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिएगा और में हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0 लेकिन इवन में क्या था इक्वल टू 0 तो इवन में होता था कि जब वो 0 के बराबर हो जाए तो वैल्यू डिस्प्ले करना है और इसमें क्या है कि जब वो 0 के बराबर नहीं तब वो वैल्यू डिस्प्ले करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है डिस्प्ले ऑड नंबर ऑफ द वैल्यू ओनली तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं और देखिए कोड लिखते समय ना एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना होगा कि जैसे हम लोग यहीं पर लिख देते हैं ऑड वैल्यू इन एरे ऑड वैल्यू इन एरे मतलब क्या होता है कि एरे में ऑड वैल्यू कौन कौन है यहाँ पर देखिए जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग फेज में हैं और आप उसको सीख रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको हमेशा सामने कंसीडर करना है कि किसी व्यक्ति के लिए हम यह कोड लिख रहे हैं जैसे एटीएम मशीन डिजाइन किया गया है तो एटीएम मशीन में आप देखे हो कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक मैसेज आता है और वैसा मैसेज होना चाहिए कि सामने वाले उसको रीड कर समझ सके कि क्या मशीन कह रहा है तो उसी तरह से यहां पर जब आप कोड लिखिएगा तो आपको एक एक लाइन खुद समझना होगा क्योंकि आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं अगर आप खुद ही नहीं समझिएगा तो आप उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं तो इसलिए ध्यान रखना है कि यह प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करें तो कोई भी अदर पर्सन उसको समझकर वैल्यू करेक्ट इनपुट करे और उसका आउटपुट करेक्ट फाइंड आउट हो तो प्रोग्रामिंग का यही मतलब होता है क्योंकि अभी यह स्टार्टिंग है बेसिक प्रोग्रामिंग है और आप लोग को आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो अगर हम 4 लाइन का प्रोग्राम्स लिख समझ सकते हैं और लिख सकते हैं तो 4 प्रोजेक्ट या 4 लाइन भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं तो यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट मेथड से बना सकते थे लेकिन जब हमारा टर्न कंडीशन हो तो हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे और फॉलो तभी करेंगे जब सब समझ में आएगा तो
तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि दो फंक्शन हम लोग क्यों लिए थे। हम चाहते तो एक फंक्शन से ही उस पूरे प्रोग्राम को बना सकते थे, लेकिन चूंकि आप लोग अभी बेसिक में हैं, लर्नर हैं, इसलिए आप लोग धीरे धीरे सीखिए कि एक ये फंक्शन लगाकर ये काम करवाए, ये फंक्शन बनाकर ये काम हुआ, यानी इस तरह से ये प्रोसेस कर रहा है। एक समय खुद आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए कितना फंक्शन की आवश्यकता होगी। अगर इसी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो एक क्रिएट करने के लिए यानी अरे क्रिएट करने के लिए फंक्शन लिए और एक दूसरे फंक्शन को लिए कि वह कैलकुलेट करके बताए कि ऑड नंबर कौन कौन है। तो जी हाँ, तो उम्मीद है यह कोडिंग आपको इस प्रोग्राम का समझ में आ गया होगा। अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। थैंक यू।